राशिफल 2021 प्रत्येक नए वर्ष की भांति हमारे लिए कुछ नई संभावनाएं लेकर आया है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि वर्ष 2021 में हमारे निजी और पेशेवर जीवन में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं और हमें उन स्थितियों का सामना करने के लिए किस प्रकार से खुद को तैयार रखना होगा। आपके मन में अनेकों जिज्ञासाएँ होंगी कि ये वर्ष 2021 हमारे लिए किस प्रकार से सफलतादायक साबित होगा और किन क्षेत्रों में हमें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम उन लोगों का राशिफल 2021 लेकर आए हैं जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला एम लेटर होता है। जिन लोगों को अपनी जन्म तिथि का ज्ञान नहीं है और उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर से शुरू होता है, ये अपना राशिफल 2021 यहाँ पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा होगा। वार्षिक कुंडली 2021 से पाएं नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा और विवाह आदि से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियाँ चाइल्डियन न्यूरोलॉजी के आधार पे। एम लेटर चौथे नंबर के स्थान पे आता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 4 का अंक राहु का होता है। यदि ज्योतिष की बात की जाए तो ये अक्षर माघा नक्षत्र के अंतर्गत आता है जिसका स्वामी केतु और ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है जिसका स्वामी सूर्य है। इसका अर्थ ये होता है कि एम लेटर वाले लोगों के लिए 2021 में राहु, केतु और सूर्य की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा इस साल आपका जीवन। कैरियर और व्यवसाय, आपकी जॉब को लेकर आप निश्चित रह सकते हैं क्योंकि आप पूरी तरह से अपने रंग में रंग जाएंगे और आप केवल हाई वर्क नहीं करेंगे बल्कि स्मार्ट वर्क करेंगे जिससे आपको एक नए रूप में देखना आपके आसपास के लोगों के लिए भी नया अनुभव होगा। आपका प्रदर्शन लगातार सुधरेगा और आप अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर लेंगे। इसकी वजह से जॉब में आपकी स्थिति उन्नत होगी और आपको पदोन्नति मिलने के भी योग बनेंगे। साल के मध्य में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय में आपके काम में कुछ गड़बड़ियां नज़र आ सकती हैं और कुछ लोग आपके विरोधी हो सकते हैं। उस समय में विशेष रूप से अपने काम पर फोकस करें तो शेष समय बहुत अच्छा जाएगा। इस साल आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होगा। व्यवसाय के नज़र से देखें तो यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। हालांकि आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जिनमें से कुछ व्यर्थ हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही काम करें तभी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार को लेकर आपको कुछ नया सोचना होगा और अपने साझेदार से भी संबंधों पर ध्यान देना होगा तभी आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे। आप चाहे जॉब में हों या अपना बिजनेस कर रहे हों, आपको विदेश जाने के लिए मौके मिल सकते हैं जिससे आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जातकों के लिए ये वर्ष धूप छांव जैसी स्थिति का निर्माण करेगा। आप दोनों के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे सकती है जिसकी वजह से रिश्ते में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण होगा। ऐसा विशेष रूप से वर्ष की शुरुआत से साल के मध्य तक होगा, उसके बाद स्थितियों में काफ़ी सुधार आएगा। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी और जीवन साथी और आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे जिससे आपका यह दाम्पत्य जीवन मधुर बनेगा और रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अपने बिजनेस के लिए भी अपने जीवन साथी की किसी सलाह पर अमल करेंगे तो आपको अच्छी उन्नति मिल सकती है। हो सके तो आप उन्हें अपना व्यावसायिक साझेदार भी बना सकते हैं। पारिवारिक तनाव को अपने दाम्पत्य जीवन में न आने दें क्योंकि इससे आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से इस वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। आपको आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे जिससे आप बहुत खुश होंगे। ये साल प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। संभव है कि आपकी मेहनत सफल हो जाए और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अवश्य हो जाए। वर्ष की शुरुआत से ही टेक्निकल विषयों या मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और आपको मनपसंद कॉलेज या विद्यालय में दाखिला मिल सकता है। इस वर्ष की सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए वर्ष का पूर्वार्ध ज़्यादा अनुकूल है, इसलिए शुरुआत से ही इस बारे में तैयारी करके रखें ताकि विलम्ब ना हो। प्रेम जीवन, प्रेम संबंधित मामलों के लिए ये वर्ष
उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। यूँ तो आपके रिश्ते में काफ़ी गहराई रहेगी और आप एक दूसरे को बेहद तरीके से समझेंगे, फिर भी किसी तरह का विरोधाभास हो सकता है। हालांकि इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी से विवाह करने में सफलता मिल सकती है, लेकिन विरोध और चुनौतियों का सामना करने के बाद इस साल आप अपने प्रियतम के साथ फॉरेन ट्रिप पर भी जा सकते हैं और आप दोनों के बीच रिश्ता बहुत प्रगाढ़ होगा। जो लोग कुंवारे हैं उनमें भी विवाह होने के योग इस वर्ष बन सकते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। इसके साथ ही ये भी सच है कि आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता भी यही है कि डर के आगे ही जीत है। इसलिए हौसला रखें और यदि आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो आपको सफलता मिल कर रहेगी। आर्थिक जीवन, यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। वर्ष के शुरुआत में आपके हाथ में अच्छा लाभ आ सकता है और सरकारी क्षेत्र में भी कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ष के मध्य से और आगे का समय बहुत सावधानी भरा होगा, क्योंकि इस समय में आपको धन का निवेश भी सोच समझ कर करना होगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। आपको पहले से जमा धन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपके निरंकुश होते हुए खर्चों पर अंकुश लग सके और आप आर्थिक तौर पर कमजोर ना पड़े। इस साल आपके ससुराल वाले आपके जीवन साथी को कोई बड़ी आर्थिक मदद दे सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए नहीं होगा, इसलिए अपने धन का सदुपयोग करें ताकि मुश्किल परिस्थितियों में उसका लाभ उठाया जा सके। वर्ष के अंतिम महीने में आपके पास धन आने के अच्छे योग बनेंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी हमारे हाथ में है। इस वर्ष आपको यही ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना ही होगा। इस वर्ष आपकी स्वास्थ्य समस्याएं आपके परेशान कर सकती हैं, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा समस्या अपने पेट और बदहजमी को लेकर हो सकती है। इसके अतिरिक्त बात रोगों से पीड़ित लोग गठिया या बाय के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। वर्ष के मध्य से आगे का समय अच्छा रहेगा, यानी कि वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआत में पूरी तरह से सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। अपने वजन में तरल पदार्थों को भी स्थान दें, भरपूर मात्रा में नींद लें और खुद को एक संयमित दिनचर्या में ढालें, क्योंकि आपके गुर्दों पर इस वर्ष कुछ असर पड़ सकता है। ध्यान नहीं देंगे तो समस्या बढ़ सकती है, अन्यथा आप अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।